प्रदेश भर में सोमवार से शुरू हुई निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर बिलासपुर में मंगलवार को भी दिखाई दिया। निजी बसों के ना चलने से जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं एचआरटीसी प्रबंधन बिलासपुर द्वारा लोगों की सुविधा के मद्देनजर अतिरिक्त बस रूट चलाए गए। कई लोकल रूटों पर डिमांड के मुताबिक बसें भेजी गईं। इसके लिए एचआरटीसी ने घागस, नौणी, भगेड़, स्वारघाट और घुमारवी आदि में दो दो इंस्पेक्टर तैनात किए हैं, जिनसे लगातार संपर्क करके डिमांड के हिसाब से बसें भेजने की व्यवस्था की गई है। वहीं RMHRTC बिलासपुर किशोरीलाल यादव भी बस अड्डा परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने अड्डा प्रभारी कमलदेव के साथ मिलकर व्यवस्थाओं को देखा और बस चालकों परिचालकों को बसों में कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। साथ ही बस अड्डा में मौजूद लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की। हमने ये व्यवस्था बनाई हुई है, जो हमारे रूट चल रहे हैं, प्राइवेट की हड़ताल है, प्राइवेट बसों वालों की हड़ताल है, इसलिए हमने 4-5 गाड़ियाँ अपनी अड्डे पर रखी है। और हमने जैसे घागस हुआ, ब्रह्मपुर हुआ, घुमारवी हुआ, बल्ठी हुआ, अपने दो दो इंस्पेक्टर वहाँ तैनात रखे हुए हैं कि जैसे कि सवारियों को रस कहीं नज़र आता है, सवारियों को परेशानी का सामना होना तो पड़ रहा है, तो हमारे को वैसे फ़ोन आता है, हम वैसे ही गाड़ी उनके लिए यहाँ से देते हैं उनको लाने के लिए। अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने हरेक ड्राइवर चालक प्रचालक को हमने ला दिया कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजिंग को दिए जाते हैं और लॉसमेंट करवा के अड्डे की हम हरेक यात्रियों को भी मास्क लगाने की सूचना देते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।